तो भाई रात को पहुंचा था मैं 1 बजे मंडी, और मंडी में पहुंचते ही यार ना मैं शार्ट हो गया। मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई दी ना, आपको देख के बताओ यार भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त, ना मस्त चावल है। अपना खाना मस्त है यार, अपना अपना ही होता है। नहीं अपना खाना अपना होता है यार, बंदा पेट भर के तो खाता है। वैसे हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल एम हाजिक व्लॉग्स में। तो शुरुआत करते हैं, अभी सुबह के बज चुके हैं 9:45 हो रहे हैं। तो मैंने कर दी अपनी गाड़ी होगी खाली, ये चेक करो एक बार, इधर बहुत ज़्यादा चिकड़ है यार। तो गाड़ी शाड़ी खाली होके मैं चला अभी चाय पीने के लिए, तो सोचा अपने व्लॉग की कर देते शुरुआत। स्टार्ट तो कर रहे हैं मस्जिद के सामने मंडी में। अभी इधर की चिकड़ यार, इधर के हालात चेक करो भाई, इधर चिकड़ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है भाई। वो लगाई अपनी गाड़ी उधर पीछे मैंने, तो अब जाएंगे हम चाय पीने, देसी चाय, नमकीन चाय पियेंगे कहीं जाके, फिर उसके बाद करते हैं यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू। आज शायद कानवाई जम्मू से छोड़ी हुई है, तो इधर से छोड़ेंगे नहीं, चलो देखते हैं। फिर भी काजीगुंड जाके चलेगा पता, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अपनी कश्मीर वाली ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे गाड़ियाँ खाली होती है। चेक करो एक बार अपनी गाड़ी, और ये खाली भाई अपनी कंपनी की है। दूसरा बंदा ये थोड़ा लेट पहुँचा था, तो इसकी और ये अभी खाली, तो मेरी सुबह की खाली होकर मैंने लगाई है बाहर, क्योंकि अभी आगे कानवाई तो छोड़ी नहीं है। तो जाके भी क्या करना है उधर, अभी बज रहे हैं 4:05, अभी हो रही है भाई अजान, तो पहले पढ़ते हैं हम नमाज, उसके बाद करते हैं आपसे गपशप। बज रहे हैं 7:30 शाम के, तो श्रीनगर से मंडी में अभी हम अभी निकले नहीं, तो जस्ट निकलने की तैयारी कर रही है, गाड़ी शाड़ी कर ली है अपनी स्टार्ट, और पप्पू उस्ताद भी है, दूसरी गाड़ी है अपनी कंपनी की, वो निकल रहा है, मैं गेट से बाहर आ गया, वो भी निकल रहा है। तो वो जैसे पहुँचेगा तो हम करेंगे अपना सफ़र आगे को शुरू, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, आगे अगर छोड़ेंगे आज तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाएंगे। भाई चेक करो एक बार, पहुंच चुकी है दूसरी वाली गाड़ी अपनी, अपनी जो दूसरी थी आ गई है वो गाड़ी भी, अब निकल रहे हैं हम फुल पावर यहाँ से। यार थोड़ी ना सेहत ठीक नहीं थी, सेहत ख़राब हो गई थी दिन को, तो थोड़ी दवाई लाई थी मैंने, अभी दवाई शवाई खाई, अभी भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा। तो आगे देखते हैं, खुद ही बनाएं या कहीं किसी ढाबे शाबे पर खाएँगे रोटी। अभी यहाँ से तो निकले हम फुल पावर, फिलहाल रखते हैं हम अपना सफ़र कंटिन्यू। भाई रात को पहुंचा था मैं 1 बजे मंडी, और मंडी में पहुंचते ही यार ना मैं शार्ट हो गया। मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी ना, आप खुद देख के बताओ यार भाई, क्या चीज़ है यार, क्या वो अपनी जान इधर सामने खड़ी थी और हम कुछ कर नहीं सकते। देखो ये चेक करो एक बार, किसी दिन ये मेरी जान हुआ करती थी, आज इधर मिल गई रास्ते चलते चलते। हाँ इस गाड़ी के साथ ना यार बहुत ज़्यादा प्यार था मेरा, बहुत ज़्यादा प्यार। बाय बाय यार, क्या क्या बताऊँ, छोड़ो यार, दुखी हो गया आज मैं। तो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने आपको रात को बताया था, हम रात को रुकेंगे काजीगुंड, तो आगे रोड पे जगह थी नहीं, हमने लगाई है गाड़ी पार्किंग में। एक गाड़ी ये लगी है अपनी, एक ये लगी है, और दो अभी श्रीनगर है जो रात को आई थी वो भी आएंगी, तो अपनी वाली इधर लगी है फुल पावर। तो पिछले चक्कर जब मैं इधर रुका था तो इधर बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा, पहले थी नहीं, फिर पड़ी थी रात को, फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी, तो आज के चक्कर में ख़त्म है पूरी बर्फ़ तो ख़त्म है। अभी हम रुके इधर ही, कानवाई तो छोड़ी नहीं, तो अभी दो गाड़ियाँ पीछे वो भी पहुंच जाएगी तब तक जब तक कानवाई छोड़ेंगी। आगे तो टोल से छोड़ी हुई थोड़ी गाड़ियाँ, तो 12-1 बजे लमसम 2-3 बजे तक तो छोड़ ही देंगे हमें भी, इतनी तो उम्मीद है। तो जब तक तब तक वो भी पहुंचेंगे, असलम उस्ताद और पवन उस्ताद जो श्रीनगर गए हैं खाली करके, वो भी आ जाएंगे तब तक वापस, तब तक करते हम उनका इधर ही पे वेट। तो अगर छोड़ दी गाड़ियाँ तो फिर तो निकल जाएंगे भाई हम, अगर नहीं छोड़ी फिर बैठे हैं हम इधर। एक बार पीछे चेक करो व्यू, ये पीछे सामने ना रेलवे का फाटक है। पहला जो व्लॉग बनाया था वो मैं उस पार थी गाड़ी बाहर रोड पे, वो जो सामने गाड़ियाँ लगी है उधर, तो उस जगह से दिखा रहा था ये वाला रेलवे ट्रैक। ये इधर पीछे चेक करो, ये साथ में ही है। तो अभी करते हैं खाने पीने का प्रोग्राम, सोचा था करेंगे फिर सोचा क्या पता गाड़ियाँ छोड़ देंगे। तो भाई अपने बन रहे अभी चौल, हमारा गैस हो गया था ख़राब, उसकी वजह से हो गया पतीला अपना ख़राब। ये चेक करो एक बार, अपने साथ है गणेश उस्ताद और एक ड्राइवर, वो उसका नाम नहीं पता, नया नया है। बाकी असलम उस्ताद और अभी पीछे है, उनका करेंगे वेट, आएंगे तो अगर पहले ही छोड़ दिया हमें फिर निकल जाएंगे आगे को। फिलहाल बनाते हैं हम खाना शाना, खाना खा के फिर देखते हैं क्या होता है।
अपना अपना ही होता है नहीं? अपना खाना अपना होता है यार, बंदा पेट भर के तो खाता है। वैसे ढाबे वालों को क्या पता कब की दाल बनाई है, बीमारी का बिल्कुल 100 रुपए का खाना भी खाएंगे और 150 की दवाई भी लाएंगे। अपना खाना अपना होता है यार, अपना खाना बनाना चाहिए बंदे ने, पेट के लिए काम कर रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी 2:22 पे काजीगुंड से गाड़ियाँ रिलीज की, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं तो हमने भी छोड़ दिया। 1000 गाड़ी के बाद हमारा नंबर आया, अभी निकल चुके हैं हम इधर से, क्योंकि मैं तो बहुत आगे निकल आया, जो मेरे साथ गाड़ियाँ वो बहुत पीछे है। कम से कम नॉर्मल ही 200 गाड़ियाँ तो मेरे पीछे हैं, वो 200 गाड़ियों का फर्क हो जाता है इधर 2-3 घंटे का। अभी आगे देखते हैं, अभी तो हम जस्ट फर्स्ट नाके से निकले हैं, लव डोरो का जो पहला नाका है उधर से निकले हैं हम। तो अभी आगे देखते हैं टंडल तक कहाँ तक, 3 नाके अभी, क्या पता रोकना ले या जाने दे, वो आगे जाके पता चलेगा अभी। सो फाइनली भाई हमने कर लिया है बनिहाल वाला टंडल क्रॉस, बड़े मुश्किल से किया भाई। अभी आप देख सकते हो पूरी लाइन ना पीछे लगी हुई है ट्रंकों की, और हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी गाड़ियां हम ओवरटेक कर सकते हैं ना तो कर लेंगे अभी अभी, क्योंकि आगे तो ओवरटेकिंग करने आएगी नहीं, आगे लग जाएगा फिर जाम। तो अभी हम पूरी फुल मेहनत कर रहे हैं गाड़ियां पास करने में। कहां फंस गया बीच में, आगे कोई गाड़ी है क्या? ये अपना गणेश उस्ताद आगे आगे जो चल रहा है, इन्होंने गाड़ियां रात को चेंज की थी पप्पू उस्ताद ने और इसने। तो अभी हम बनिहाल वाले एरिया में हैं, थोड़ा सा गाना सुना। ओए, 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 ओए। एक बार चेक करो जाम कितना लगा हुआ है, मतलब 3:14 पे हमने किया था बनिहाल टंडल क्रॉस, अभी जस्ट मुड़े सिंगल रोड पे इधर बनिहाल हाईवे से, 6:10 हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई जाम कितना है, कितनी परेशानी भाई। आगे चेक करो, अभी पीछे का तो दिखा ही नहीं सकता, पीछे की लाइन चेक करो आप, जो हाईवे पे हाल था ना 1-1 फुट जा रही थी गाड़ी, इधर तो फिर भी धीरे धीरे चल ही रही है आगे आगे। बहुत परेशानी होगी यार जाम की वजह से। अभी पीछे चेक करो, वो सामने उधर वो वाली जो लाइन है ना वो आ रही है इधर ही हमारे पीछे, पूरा 3 घंटे से अभी बिल्कुल जाम में फंसे हम, 1-1 फुट करके आ गए टंडल से इधर तक। अभी इस हिसाब से जम्मू तक कितना टाइम लगेगा ये सोच के ना अटैक आ रहा है यार, कसम से हालत खराब होगी भाई आज। मिला नहीं, पूरा खुला रोड है सारा, स्पीड चल रही है गाड़ियाँ सारी, क्योंकि रोड खुला है तभी जाम नहीं है। तो अभी पहुँच चुके हैं हम रामपड़ी, अभी हम 2 तो चल रहे आगे आगे, आग पिछलों का पता नहीं पीछे कौन कहाँ है, कुछ बंदे तो साथी हमारे अभी 3 है काजीगुंड में, एक जो हमारे साथ था वो ओवरटेकिंग में पीछे रह गया, तो वो उसका पता नहीं चल रहा है, उसका ना कॉन्टेक्ट नंबर है ना कुछ, तो ऐसे ही क्या बता सकते हैं यार कहाँ है वो कहाँ नहीं उसका कोई पता नहीं। तो हम 2 जो है अपनी कंपनी की जो 6 गाड़ियाँ थी हम उनमें से हम 2 जा रहे हैं आगे, तो बाकी 3 काजीगुंड 1 पीछे कहीं है, करते हैं उसका कॉन्टेक्ट भी लेते हैं कहीं से, तो निकलेंगे फिर हम 3 तो निकलेंगे, वो तो रह गए पीछे, अब उनका वेट करेंगे फिर हम भी जाम में फंसेंगे। तो इसलिए बनता है भाई बनता है चलना ही बनता है अपन को, है नहीं भाई? फुल पावर पहुंच चुके हैं हम अभी रामबन, 1/2 घंटे में आए हम बनिहाल से रामबन तक, मैं और गणेश उस्ताद। ये लगा दी अपनी गाड़ियाँ क्योंकि जाम लग गया फिर से, वो पीछे देख पा रहे होंगे आप लाइन कहाँ तक है, वो नीचे तक, वहाँ तक पूरी गाड़ियों की लाइन है, इधर लग गया फिर से जाम। अब देखते इधर से आगे, क्योंकि इधर आगे पश्चिम है ना, उधर जगह कम है, उधर सिंगल गाड़ी निकलती है, तो मुझे लगता है उधर ही जाम लगा होगा, अब उधर जाके पता चलेगा कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं। बाय। जाम भाई बहुत खतरनाक वाला लगा था, अभी जस्ट हमने डलवास एरिया क्रॉस किया, ये देखो पुलिस की ट्रैफिक की गाड़ी, सब बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं गाड़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि जाम ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा हुआ था भाई। ये देखो एक बार चेक करो,
सिक्योरिटी पुलिस शुलिस ट्रैफिक सारा इधर है भाई, देखो चेक मारो एक बार। जोधपुर से गाड़ियाँ आई है ना, इनको रोक लिया है तभी इधर से गाड़ियाँ टप रही है। अब जहाँ एक साथ इकट्ठी होंगी 50, कोई कम से कम नॉर्मली अगर मैं रखता हूँ ना इधर खाली रामबन से इधर इधर गाड़ियाँ, तो कम से कम 20-30 हज़ार गाड़ियाँ थी। तो सिंगल सिंगल गाड़ी निकल रही है इधर से, तो कितना भाई कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचो। ये देखो ये वाली साइड भी पूरी जाम होगी है, समझ नहीं आती कानवाई छोड़ी है या ऐसी ये गाड़ियों पर। लेकिन भाई तकड़ा वाला जाम है यार कसम से। पहले तो 6 घंटे बनहाल ही लगे, उधर से आके हमने आधे घंटे में बनहाल से इधर तक रास्ता तय किया रामबन तक, और रामबन से इधर तक हम मतलब 7-8-9-2 घंटे लगे भाई ये क्रॉस किया। अभी तो इधर से आगे अब हैं रोड क्लियर, मतलब आप हम निकल गए टापो टाप निकलेंगे, हम जम्मू मिलेंगे जाके। तब तक के लिए आप देखते रहो मेरा व्लॉग और मस्ती मारते रहो भाई, मस्त खाते पीते रहो और जशियां मारो जशियां। तो हमने किया अभी डलवास वाली पसी होगी पार, तो हमने किया टोल, जैसे नाशिक टोल पे इधर चलाने वाले टोल पे पहुंचे थे, तो यार टोल वाला ना ज्यादा बकवास कर रहा था, दिमाग पहले ही फिरा हुआ था जाम से पीछे तो और ज्यादा फिर आ रहा था। ऐसे में आजकल किसी को कुछ बोलता नहीं, लेकिन इसने ना ज्यादा दिमाग फिरा, चाट लिया मेरा। मैं बोल रहा हूँ उसको, मैं गाड़ी नंबर पे टैग है यार काट ले, बोल रहे लो बैलेंस, मैं गाड़ी नंबर पे है भाई, गाड़ी नंबर डाल के तो देख ले तू, काट ले। बोल रहे लो बैलेंस आ रहा है, कौन सा गाड़ी नंबर, ये जो गाड़ी नंबर प्लेट लगी है यही है तू काट ले भाई। बोला लो बैलेंस, बिना मतलब बिना नंबर टाइप किए ही लो बैलेंस बता रहा है। मैं यार तुम्हारा दिमाग खराब है या तू मेरा कर रहा है जान बुझ के, बोले बैलेंस नहीं है इसमें लो बैलेंस। फिर मैंने इसको बैलेंस दिखाया गूगल पे ओपन करके, 4,072 रुपये है मेरे फास्टैग मेरे चार्ज। तो मैंने जब उसको दिखाया ना तो आगे से ऐसे देख रहा है, मैं दोबारा आके नहीं दिखाना मुझे, मैं तो हमारे पैसे पे पलते हो हमें ही आके दिखाते हो। फिर बोल रहे मैं दिखाऊं तुझे, मैं दिखा क्या दिखाएगा जो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो फिर बकवास कर रहा था बिना फालतू की। फिर मैंने बोला मैं दिखाऊं तुझे, बोला क्या दिखाएगा, मैं एक बार ये भी चेक कर ले, मैं हम ये भी इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ। ज्यादा दिमाग फिरने की कोशिश मत करना, मेरा पहले ही जाम में फिरा हुआ है और फिरेगा, पौंसड़ी के इधर ठोक के जाऊंगा मैं। हम शरीफ थोड़े टाइम पे हुए हैं, अभी पूरे शरीफ भी नहीं हुए हैं, तू आंखें दिखा रहा है हमको हैं। अभी हम रुक गए इधर ढाबे पे रोटी खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत जोर से लगी है यार, दोपहर को खाना खाया था, दोपहर के बाद अभी तक हमने खाया नहीं कुछ। तो गणेश उस्ताद ने उस साइड लगा दी मेरी गाड़ी की, उस साइड गाड़ी बहुत जोर से, अभी भूख भी लगी थी, फिर रुक गए इधर, अभी खाएंगे रोटी शोटी। पहुंच गया गणेश उस्ताद भी, रास्ते तो मिले नहीं हम, हाँ फुलके लगवाए, दाल और लगवाना था कुछ, तो अभी खाएंगे फिलहाल हम खाना, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई अपना खाना पीना हो गया फुल पावर, तो अभी निकले हम इधर से जम्मू के लिए। तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले प्यारे से मस्त से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।